पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में हर पार्टी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने गया पहुंचे थे और उनसे वहां पर बात की एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक ने। हमारे साथ तेजस्वी जी हैं। सर, पहले चरण में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, दमखम के साथ आप प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। 1 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। महिलाओं, जो गरीब परिवार की बहनें हैं, उनको 1 लाख रुपया हर वर्ष देंगे। हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे 1,60,000 करोड़ का। इस पर सब लोग, जनता जो है, विश्वास कर रही है और मुद्दे की बात कर रही है। किसान का आय को दुगुना करेंगे हम लोग, सारी बातें हैं। सर, एनडीए सर जो है कह रहा है कि हम लोग सभी 40 सीट जीतेंगे, एनडीए को सर कहीं चुनौती मान रहे हैं? हाँ, उन लोग खाली खाने पीने और पहनने की राजनीति कर रहे हैं, और क्या चुनौती है? हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। तेजस्वी ये कह रहे हैं, देखिए 19 अप्रैल को गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई में वोटिंग होनी है लोकसभा चुनाव में, तो महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए तेजस्वी दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरुआ में वो, जो औरंगाबाद से आरजेडी प्रत्याशी हैं अभय कुशवाहा, उनके लिए रैली करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र जारी किया है, इसका लाभ जो है हम लोग को मिलेगा चुनाव में। 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का हम लोग वादा किए हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, जो अग्निवीर स्कीम है उसको हम लोग निरस्त करेंगे। सो हम लोग मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम जो है कोई भी वादा अपना जो है वो पूरा नहीं किए। सो जनता हमारे साथ है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, औरंगाबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।